जैसा कि आप जानते ही हैं, शाहरुख के बेटे आर्यन खान को लेकर लगातार ही सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में आर्यन खान की इस केस में उनकी जीत की राह लोग देख रहे हैं, लेकिन जो धाराएं उन पर लगी हैं सब जमानती धाराएं हैं, ये सतीश मानस शिंदे ने उन्हें लेकर कहा। और ऐसे में कोई भी सबूत एनसीबी के पास आर्यन के खिलाफ पुख्ता तौर पर नहीं, जिसकी वजह से वो उन्हें अपराधी साबित कर सके, इलीगल ड्रग्स लेने वाले अपराधी साबित कर सके। और तो और, सतीश मानस शिंदे आर्यन के वकील ने साफ तौर पर कहा है व्हाट्सएप चैट मजबूत पक्ष नहीं है, इसी वजह से तो 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में आर्यन को रखा गया ताकि कोई पुख्ता सबूत मिल सके, लेकिन अब तक कोई सबूत ऐसा नहीं मिला। जो खरीदा और ड्रग्स बेचा गया है उससे जुड़ा आर्यन का कोई लेना देना नहीं है, ना तो आर्यन ने ड्रग्स खरीदा है और ना ही आर्यन ने ड्रग्स बेचा है, साफ वकील ने ये कह दिया है। और इसे साबित भी नहीं कर पाई है एनडीपीएस के एक्ट के तहत एनसीबी की टीम। ऐसे में जितनी भी धाराएं की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है वो गिरफ्तारी अब खत्म करके उन्हें घर भेजा जाए।